नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। जिस प्रकार से रिलायंस से जियो फाइनेंस को डिमर्ज करा गया, उसी प्रकार से रिटेल वेंचर को भी डिमर्ज की बात चल रही है। आज स्टॉक नियर अराउंड 1.5% के तेजी दिख रहा है। ये चूंकि वीडियो पहले का बन रहा है, इसके कारण अंडर 1% का ट्रेंड आपको दिख रहा है। आगे इस स्टॉक में देखेंगे तो भसीन जी के तरफ से सजेशन थे और वो सजेशन सही होते दिखे और हमने भी इस बात को अग्रीड करा कि ये जो सजेशन भसीन जी दे रहे हैं उसको लेकर के मैं काफी बुलिश हूँ और दिवाली से पहले एक बड़ा ट्रेंड दिख सकता है। एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। LIS टिल इन्वेस्टर टू वोट अगेंस्ट अनंत अपॉइंटमेंट्स ऑन रिलायंस बोर्ड। ये इंटरनल कॉमन छोटी न्यूज है। थ्री स्टॉक डेटा रेस्ट्रिक्टिव बाय इन वोलेटाइल मार्केट। भसीन जी ने इसमें रिलायंस को भी सम्मिलित करा है। ₹3.3 लाख करोड़ मुकेश अंबानी सरपास गौतम अडानी इन हर्न रिच लिस्ट। और ये जो रिच लिस्ट है वो आज डिक्लियर होते दिखे और जो अंबानी जी हैं वो अडानी जी के ऊपर आते दिखे हैं। यहाँ देखेंगे प्रॉक्सी एडवाइजरी फॉर्म LIS likely has recommended the institutional investors should vote against the appointment of Anant Ambani on the Reliance industry board starting its age on the reason. Anant Ambani की उम्र को लेकर के यहाँ जो प्रॉक्सी एडवाइजर है उसने कहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जो FI है कि अनंत के खिलाफ में वोट किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अनंत ही जीत सकता है क्योंकि जब उसके बाप का ही सब कुछ है तो बड़ा मोर्चा भी संभाल दे, मतलब ये छोटी छोटी चीजें को टकेल करने में बहुत बड़ा नहीं लग सकता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ बड़ी न्यूज नहीं दिख रही है। GM फाइनेंशियल रिकमेंडिंग रिलायंस इंडस्ट्री विद अ टारगेट प्राइस ऑफ डॉट डॉट डॉट। GM फाइनेंशियल और भसीन जी इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हैं। डिलीवरी मोर देन 75% यानी बल्क बाइंग इस स्टॉक में दिख रही है। टेक्निकल ट्रेंड अभी भी मिसिंग है। डिलीवरी के कंपेरेटिवली जो ट्रेंड है मिसिंग है। पिछले 1 ईयर से स्टॉक अंडर परफॉर्म है, लेकिन इस समय मेरे व्यूज भी काफी स्ट्रॉन्ग है और जिस प्रकार के लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड था और हमने क्या कहा, ये जो लेवल दिख रहा है 2260 और 2380 ये एक डिमांड जोन है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म यानी कि मंथली ट्रेंड का भी ये एक डिमांड जोन है। यहाँ धीरे धीरे एक्युमुलेट करें। पहला टारगेट 2600, दूसरा टारगेट 3200 और तीसरा टारगेट 3500। मैक्सिमम 1 ईयर के ड्यूरेशन में इन तीन टारगेट्स को लेकर के आप इजीली से स्टॉक में बने रह सकते हैं।